तो दोस्तों ये है सेकंड पार्ट आपके 10th फुल लेंथ पेपर का, रीजनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे पिछली बार वीडियो बंद हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम कंटिन्यू करना चालू करते हैं। ये है आपका पार्ट टू। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि सोचिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा होगा। ठीक है, हमें बताना है वो विकल्प जो अन्य विकल्पों से भिन्न हो। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली क्या लॉजिक लगा हुआ है कि जो अगला वाला नंबर है ना वो पिछले नंबर का डबल है। देखो जैसे बी क्या होता है, बी की रैंक होती है 2। ठीक है, तो डी की रैंक क्या होती है 4, और एच की रैंक क्या होती है 8 होती है। तो जो अगले वाला नंबर है वो पिछले नंबर का डबल होता है। तो ऐसे यहाँ पे देख लो सी क्या होता है 3, सी का अगर मैं 3 का डबल करूंगा दोस्तों क्या आएगा 6, और तो 6 जो छठा अल्फाबेट है वो क्या होता है एफ, तो ठीक लिखा हुआ है। फिर 6 का डबल करूंगा तो 12, 12वां अल्फाबेट क्या होता है एल, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देख लो डी क्या होता है 4, 4 का डबल करो 8, 8वां अल्फाबेट एच लिखा है बिल्कुल ठीक है। 8 का डबल करो 16, 16वां अल्फाबेट क्या होता है पी होता है बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जो लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है वो इधर फिट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ई क्या होता है फिफ्थ होता है, 5 का डबल 10 यानी कि जे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक है। दोस्तों 10 का डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 अल्फाबेट क्या होता है टी, तो यहाँ पे टी होना चाहिए था जबकि यहाँ तो यू लिखा है, और यू क्या होता है 21 अल्फाबेट। तो दोस्तों ये जो सी है इसके अंदर वो लॉजिक नहीं लग रहा जो अन्य तीन के अंदर लग रहा है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, सी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑल्टरनेटिव। देखें दोस्तों अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, यहाँ पे भी हमें वही चीज है, सिलेक्ट द वन व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑल्टरनेटिव। तो दोस्तों क्या लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे देखें, देखो ए बी सी यानी कि सेकंड थर्ड और जो फोर्थ अल्फाबेट है, सेकंड थर्ड और जो फोर्थ अल्फाबेट है वो कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट है ए बी सी, फिर सी के बाद जो फोर्थ अल्फाबेट है वो सबसे आगे दे रखा है। ठीक है, तो ए बी सी फिर ये अल्फाबेट आ जाएगा, ऐसे ही एम एन ओ फिर पी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई फिर जेड। तो ये जो लॉजिक दोस्तों यहां लग रहा है वो इधर फिट नहीं बैठ रहा है, डी ई एफ बिल्कुल ठीक है, एफ के बाद क्या आता है जी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था जी, यहाँ पे क्या दे रखा आई, तो ये जो ऑप्शन डी है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री ऑल्टरनेटिव्स। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का ये। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर आप इसको पीछे की तरफ से देखना चालू करें तो जो पीछे वाला जो अल्फाबेट है उससे जो आगे वाला अल्फाबेट है ठीक है वो रैंक में 2 अधिक है, या आप यूं कह लो एक्स के बाद वाई छोड़ा जेड, आर के बाद एस को छोड़ा तो टी, ठीक है, सिमिलर लॉजिक लगा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखो एम, एम के बाद क्या आता है एन, एन को भूल जाओ, नेक्स्ट क्या होता है ओ, यहाँ पे ओ लिख दो, तो सेम लॉजिक लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों एफ से शुरू करो एफ, एफ के बाद क्या होता है जी छोड़ दो, नेक्स्ट क्या आता है एच, तो क्या यहाँ पे एच एफ लिखा है, नहीं लिखा हुआ, तो जो ऑप्शन सी है इफ ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वो लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा जो अन्य तीन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि एक स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट दे रखी है, बताओ जब ये जो बीच का हाफ है यहां से इस शीट को हम फोल्ड कर देंगे तो ये किस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों ये दिखाई देगा हमें हमारी ऑप्शन सी की तरह, ठीक है, तो ये जो पार्ट दे रखा है इस तरीके से, दूसरे वाला भी ऐसे है, तो ये पार्ट जब घूम करके इसके ऊपर ओवरलैप करेगा तो एक टी की तरह नजर आएगा, और इकलौती ऑप्शन जहां पर टी दे रखा है वो ये है। सिमिलरली जो नीचे का पार्ट है इस तरीके के, जब ये क्लोज होगा तो ये एक ए की तरह नजर आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहे हैं कि बताओ आंसर फिगर में से कौन सी वो फिगर है जो कि बनेगी यूजिंग दिस कट पीसेस, इन कट पीसेस का इस्तेमाल करते हुए कौन सी वो उत्तर आकृति है जो बनेगी। तो इनकी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5, अब जरा देख लेते हैं, ऑप्शन डी को देखना है एक बार, 1 2, तीसरे वाला ये रहा, चौथे वाला ये रहा और पांचवे वाला ये रहा, तो जो ऑप्शन डी है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है रिलेटेड वर्ड यानी कि संबंधित शब्द हमें बताना है, संबंध हम यहाँ से पकड़ेंगे और उसको यहाँ पे फिट कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ग्रेविटी पुल करती है, गुरुत्वाकर्षण जैसे खिंचाव करता है, तो जो संबंध है दोनों के बीच में, तो जो मैग्नेटिज्म है यानी कि जो चुंबकत्व है वो खिंचाव करता है, खींचना आकर्षण का काम करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिज्म, ओके, तो ऑप्शन सी है जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यही रिलेशन है जैसा ग्रेविटी और पुल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, तो दोस्तों जैसे किसी मैगजीन का एडिटर होता है ऐसे ही किसी ड्रामा का डायरेक्टर होता है, ठीक है, उस ड्रामा का निर्देशन करता है, कौन करता है, निर्देशक यानी कि डायरेक्टर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है संबंधित संख्या, रिलेटेड नंबर, इन दोनों के बीच में रिलेशन संबंध को समझते हुए यहाँ पे फिट कर देना है। तो दोस्तों क्या संबंध लगा हुआ है, देखो 4 और 7 का दोस्तों अगर मैं योग कर दूं, इनका सम कर दूं, क्या निकल के आएगा 11, 6 और 5 का दोस्तों अगर मैं सम निकालूं क्या आएगा 11, तो लॉजिक पकड़ में आ गया। अब 9 और 5 का क्या सम निकल के आएगा 14, तो दोस्तों मेरा आंसर सिर्फ वही नंबर हो सकता है, वही संख्या जिनकी दोनों डिजिट का जो सम है
ठीक है, या उनकी जो डिजिट्स का सम है वो भी 14 होना चाहिए। तो देखें जरा ऑप्शन ए को दोस्तों, 9 + 5 कितना होता है, 14 होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 95। वाई, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स का सम भी 14 निकल के आता है, वही रिलेशन होना चाहिए जो यहाँ पे हमें दे रखा था। तो दोस्तों ये है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या संबंध है उसको देखते हैं, उसको यहाँ पे हम फिट कर देंगे। तो बेसिकली क्या कर रखा है कि जो आगे वाला नंबर है ना वो पीछे वाले नंबर का स्क्वायर है, तो जो आगे वाला नंबर है वो पीछे वाले नंबर का स्क्वायर है। तो दोस्तों जैसे 420 का स्क्वायर होता है, जैसे 20 का स्क्वायर 400 होता है, ऐसे ही 22 का स्क्वायर 484 होता है, ऐसे ही 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 22। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।